दोस्तों, जब आप लोन लेते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के दो ऑप्शन मिलते हैं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपको फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे फ्यूचर गोल्स और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पर असर होता है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट क्या होते हैं और हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। देखिए, फ्लोटिंग रेट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे लोन टेन्योर के दौरान चेंज होता रहता है और ये नॉर्मली क्वार्टरली बेसिस पर होता है। ऐसा मार्केट कंडीशन, इन्फ्लेशन रेट, गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी या फिर रेपो रेट की वजह से होता है। क्योंकि फ्लोटिंग रेट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, इसलिए जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपकी ईएमआई बढ़ जाती है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो आपकी ईएमआई कम भी हो सकती है। और कई बार ईएमआई को सेम रखने के लिए आपका लोन टेन्योर बढ़ाया या घटाया जा सकता है। वहीं फिक्स रेट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे लोन टेन्योर में सेम रहता है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, इसलिए ईएमआई भी आपके पूरे लोन टेन्योर में सेम ही रहती है। तो अब सवाल यह है कि फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट में कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट सही है और हमें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेना चाहिए। देखिए, लोन लेने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके लोन की ईएमआई आपके नेट मंथली इनकम के 25% हो या फिर उससे कम हो। अगर हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1-2% सस्ता होता है, इसलिए इस बात के चांसेस कम होते हैं कि ये फ्यूचर में कभी बढ़कर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा हो जाए। और अगर ऐसा होता भी है तो भी इसके कम होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी ईएमआई या फिर लोन टेन्योर चेंज होता रहता है, इसलिए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है और अपने मंथली बजट या फिर फाइनेंशियल गोल को डिस्टर्ब करना पड़ सकता है। वहीं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपकी ईएमआई पूरे लोन टेन्योर में सेम रहती है और ये मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से चेंज नहीं होती, जिससे आपको अपने मंथली बजट, फ्यूचर गोल्स या फिर इन्वेस्टमेंट को प्लान करने में आसानी होती है। पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1-2% महंगा होता है। और अगर फ्यूचर में कभी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी होता है तो जिसने पहले से लोन लिया हुआ है उसे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन रिपे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि फ्यूचर में कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है तो आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हैं। पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभी कुछ सालों के लिए ही होता है और ये फ्यूचर में चेंज हो जाता है, इसलिए आपको लोन लेते वक्त लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से देख लेना चाहिए। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको प्री पेमेंट या फिर प्री क्लोजर पेनल्टी नहीं देनी पड़ती। वहीं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं जैसे कि पर्सनल लोन, तो आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं जैसे कि होम लोन, तो आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपकी इनकम बढ़ने के साथ आप अपने लोन के प्री पेमेंट करके उसे जल्दी क्लोज करवा सकते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट देने से बच सकते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप अपने लोन को फिक्स रेट से फ्लोटिंग रेट पे और फ्लोटिंग रेट से फिक्स रेट में चेंज करवा सकते हैं, पर इसके लिए आपको कुछ फीस देनी पड़ सकती है। इसलिए आप जब भी लोन लें तो अपने लेंडर से फ्लोटिंग रेट या फिर फिक्स रेट के बारे में डिस्कस जरूर कर लें और टर्म्स एंड कंडीशंस और हिडन चार्जेस और चार्जेस को जरूर से जान लें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट के बारे में समझाने की कोशिश की है, और अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।